हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, एक मैसेज आया हुआ था इंस्टा पे कि मैडम मैं अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया उनका बहुत जल्दी निकल जाता है। जब हमने पूछा टाइम, तो उन्होंने बताया 7 मिनट के बाद। तो देखो, ये जो 7 मिनट का टाइम जो है ना, ये सही है। कोई इसमें मतलब अर्ली डिस्चार्ज की उनको समस्या नहीं है। देखो, 1 मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट से पहले अगर निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो उनको अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है। फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, या फिर वो जो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो आपको लेना पड़ेगा, या फिर कुछ और चीज़ें वहाँ पर शामिल करनी पड़ेगी आपको उनकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 मिनट के बाद डिस्चार्ज होता है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनका टाइम तो सही है, वो सही टाइम पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो सेटिस्फाइड हुई है या नहीं हुई है। उनका डिस्चार्ज हुआ, बस वो अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में जो वाइफ है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम कहते हैं, जब भी आप फिजिकल हो तो वहाँ पे 5 मिनट का समय आप फोर प्ले में जरूर दीजिए। फोर प्ले में जब आप 5 मिनट का समय देंगे ना, तो वहाँ पर आपकी वाइफ जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट होगी, वो गर्म होना स्टार्ट होगी और आपके साथ पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका गिर जाता है, 7 मिनट में निकल जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो वहाँ पे देखो, आपकी वाइफ अगर सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हो, आप फिंगरिंग कर सकते हो, ठीक है। जब आप फिंगरिंग करते हो तब उससे आपकी वाइफ को पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। और जब तक आपकी वाइफ को पूरी संतुष्टि नहीं मिलती है, तब तक आप फिंगरिंग का यूज़ कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, तब तक आप वहाँ से हटिए मत, या फिर उनको वहीं पे छोड़ दो और फिर अलग हो जाओ। तो ऐसे में वाइफ सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं, फिर वो आपको छोड़ के किसी और पर अट्रैक्ट होंगी, या किसी और के पास जाना पसंद करेंगी, या फिर कहीं ना कहीं वो मतलब मैसेज करेंगी, या फिर अपनी चीज़ों को वहाँ पर शेयर करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है, जो हस्बैंड है उनको ध्यान देने वाली बात है कि अपनी वाइफ का केयर करें और ध्यान दें। अगर जो पुरुष देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपनी वाइफ को प्यार करें, और ताकि वो सेटिस्फाइड हो पाए, असंतुष्ट ना रह जाए। आई होप हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय।